ठीक है, दो पॉइंट नजरिया आपके पास सर सैयद अहमद खान ने पेश किए। वो ही सर सैयद अहमद खान है जो 1857 में जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हिंदू और मुसलमान जो थे, 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सर सैयद अहमद खान ने जो है ये कहा था कि हिंदुस्तान की खूबसूरती हिंदू और मुसलमान दोनों से है, अगर इनमें से किसी एक कौम को भी हटा दिया जाए तो हिंदुस्तान की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। अगर हिंदुस्तान में कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसमें सारा कॉन्ट्रीब्यूशन हिंदूज का नहीं है, मुसलमानों का भी है, ठीक है। मगर ऐसा क्या हुआ जो इंसान ये कहता था कि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों का रहने का हक है, अंग्रेजों का यहाँ पर हक नहीं, अगर किसी को जाना है यहाँ से तो पहुँच जाएगा अंग्रेज रहने। मगर सडनली उनकी थिंकिंग कैसे चेंज हो गई, ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने दो कौमी नजरिया, दो कौमी मतलब हिंदू और मुसलमान, जो एक इंसान दोनों को साथ रखा हुआ था उसने एकदम से दोनों को दोनों कौमों को अलग कैसे कर दिया। तो उसका वजह यह है जब आपने स्कूल इस्टेब्लिश किए, ठीक है, आपने जो है अपने स्कूल्स और कॉलेज इस्टेब्लिश किए, उसके बाद 1862 में जब आपने अपने स्कूल्स और फिर देन आपने अपना कॉलेज एक्सटेंड किया था, ठीक है, जो आपने इस्टेब्लिश किए थे उस वक्त आपके पास सैयद अहमद खान ने इन दोनों इंस्टीट्यूशन में स्कूल्स में आपके पास हिंदू और मुसलमान दोनों को पढ़ने की परमिशन दी थी। जैसे हम पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में आपके पास अलीगढ़ मूवमेंट में कि राजा राम मोहन राय ने जब स्कूल इस्टेब्लिश किए थे तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को परमिशन दी थी अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ने की स्कूल्स में। मगर सैयद अहमद खान ने जब आपके पास गाजीपुर में अपने स्कूल इस्टेब्लिश किए थे और अपनी अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की थी तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को इन्वाइट किया था, क्योंकि उस वक्त आपके पास सोसाइटी में हिंदू जो थे ज़्यादा पढ़े लिखे थे एज़ कम्पेयर टू द मुस्लिम, ठीक है। जब आपने स्कूल इस्टेब्लिश किए तो आपके पास ज़्यादातर टीचर्स जो अपॉइंट हुए, ठीक है, जो आपके पास स्कूल जो है लीडर शुरू किए उसमें ज़्यादातर जो आपके पास टीचर्स थे वो कौन थे, हिंदू। मगर सैयद अहमद खान के दिमाग में दिन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि उनका मानना यह था कि हिंदू और मुसलमान एक ही कौम है, वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों भाई बहन इस रूप में एक साथ रह सकते हैं। मगर सैयद अहमद खान का कॉन्सेप्ट सिर्फ 5 साल का 1867 में, सिर्फ 5 साल के बाद ही सैयद अहमद खान का जो है कॉन्सेप्ट वो चेंज होने लगा। उसका रीज़न क्या था, एटीट्यूड ऑफ आर हिंदू टीचर्स का रवैया, हिंदू टीचर्स के रवैये ने सैयद अहमद खान को इस बात पे कायल कर दिया कि नहीं, हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ कौमें हैं, ठीक है, वो एक साथ है। क्यों उनके रवैये में तब्दीली आई, हिंदू की हिंदू टीचर्स जो थे वो क्या करते थे, फोर्स करते थे मुस्लिम स्टूडेंट्स को, ठीक है, जितने मुस्लिम स्टूडेंट्स थे उनको फोर्स करते थे, किस चीज़ के लिए फोर्स करते थे कि वो हिंदी ज़बान का इस्तेमाल करें, हिंदी ज़बान का रह के उन्हें कहा जाता था, उन्हें फोर्स किया जाता था हिंदी ज़बान का इस्तेमाल करें, और जितनी भी हिंदू आपके पास ट्रेडिशन और कस्टम्स है, ठीक है, उनको वो है ट्रेडिशन कस्टम्स है उनको एक्सेप्ट करें, उनको फॉलो करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखते हुए सैयद अहमद खान बहुत ज़्यादा वर्ड हुए, ठीक है। तो सैयद अहमद खान वो पहली शख्सियत है जिन्होंने पहली दफ़ा, सैयद अहमद खान पहले इंसान हैं जिन्होंने पहली दफ़ा सब कॉन्टिनेंट में इंडिया में, ठीक है, आप उसे इंडिया कह लो, आप उसे सब कॉन्टिनेंट कह लो, ठीक है, या साउथ एशियन रीजन कह लो, पहली दफ़ा सैयद अहमद खान ने एक अल्फ वर्ड यूज किया, वो वर्ड क्या था, नेशन, कौम। क्यों उन्होंने वर्ड यूज किया नेशन, उन्होंने कहा मुस्लिम्स एंड हिंदूज, ठीक है, आर टू डिफरेंट नेशंस। ठीक है, पहली दफा आपने कौम का लफ्ज यूज किया, कौम का लफ्ज आपने क्यों यूज किया, क्योंकि हिंदू टीचर्स का रवैया देखते कि मुसलमानों के साथ उनका रवैया बेहतर नहीं था, वो मुसलमानों को उनकी तालीमात से उनकी दीदी तालीमात से दूर कर रहे थे,